Hey guys, it's me अभिषेक स्टार्टपी. वेलकम बैक टू दी अभिषेक ब्लॉक अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सबको. एंड आप सबको स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में. और यह है 2024 का मेरा पहला वीडियो. सो आज के इस वीडियो पे कुछ स्पेशल करने की मैं कोशिश करूंगा. सो अभी मैं जाने वाला हूँ अपने जो बाल है वो काटने के लिए. देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लंबे हो चुके हैं ना, इसके कारण मुझे काटना पड़ेगा. एंड मेरा एक नया ट्रिप भी आने वाला है, सरप्राइज ट्रिप है, वो हम जाएंगे तब मैं बताऊंगा. बाकी देख सकते हो मेरा बाल कितना लंबा हो चुका है. सो अभी चलते हैं, बाल काटते हैं, न्यू हेयर स्टाइल करते हैं. चलो अभी. सो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ जाने के लिए. एंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने हमारे घर पे एक अंकल आए थे, उनका जो साइकिल है, जो ये सुपर बाइक है उनका, वो मैंने लिया है. और चलो अभी चलते हैं, इसी से जाएंगे. वो बोलते हैं ना, पैदल मारी 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 और गुंडी साइकिल चलाई जा, बुकुती एरी 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 और भोंती तू माते ही गो, ओ भोंती तू मारे घर पास. मेरा जो शक्ल है ना वो अभी अच्छे से देख लो. देखो देखो, क्योंकि थोड़ी देर बाद चेंज होने वाला है. थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा तो नहीं चेंज होगा. मैं चेंज नहीं होऊंगा, अभी सीना अभी सीना ही रहेगा, बट थोड़ा सा जो है हैंडसम बनूंगा. तो चलो अभी चलते हैं, हैंडसम बन के आते हैं. सो फाइनली अभी देख सकते हो मैंने पूरा अपने बाल काट लिया है. बाकी अभी मैं कैसा लग रहा हूँ प्लीज कमेंट करके बताना. अभी चलो चलते हैं घर पे, एंड घर पे जाके नहाते अभी. चलो बट ठंडा बहुत ज्यादा है, फिर भी नहाना पड़ेगा. मैं रोज नहीं नहाता. चलो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हो अभी भी चल रहा है काम पूरा. अभी तक हम लोगों का खत्म नहीं हुआ, सबका खत्म हो गया लेकिन हम लोगों का अभी तक खत्म नहीं. अभी भी बहुत बाकी है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत बाकी है अभी. वाओ, मैं नहाऊंगा और ये जो कपड़े पहन के गया था इनको भी धोना पड़ेगा. सो चलो अभी चलते हैं, नहाते हैं एंड फटाफट नहाते हैं फटाफट. ओके गाइस, अनदर डे सेम व्लॉग. सो गाइस, आप सबको मैं तो सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत दिनों से जो है वीडियो अपलोड नहीं किया एंड बनाया भी नहीं, तो कैसे अपलोड करूंगा. बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसके कारण मैंने बनाया भी नहीं. और अभी मैं जा रहा हूँ एच के लिए, आज मैं जा रहा हूँ. एंड यहाँ पर देख सकते हो मैं हमेशा दिखाता हूँ ना हमारा जो शिव जी का पैर है, सो इसको प्रणाम कर लेते हैं, चलते हैं. अभी मैं आधे रास्ते से पूरा घूम के जा रहा हूँ, आधा नहीं पूरा पहुंच भी चुका था वहां पर जहाँ गाड़ी मिलता है ना, उधर पहुंच चुका था. लेकिन अभी मैं फिर से घूम के जा रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी याद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, शू ही नहीं पहना, चप्पल पहन के जा रहा हूँ. मतलब चप्पल पहन के ऐसे भी जाता हूँ कभी कभार, बट हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं तो चप्पल पहन के थोड़ी ना, चप्पल पहन के थोड़ी ना जा सकता हूँ, शू चाहिए ना. तो देख रहा हूँ नीचे शू ही नहीं है, चप्पल उधर पहुंचता. चलो अभी चप्पल शू लगाते हैं, शू पहन के आते हैं, उसके बाद इतना दूर तक चल के आना पड़ेगा भाई. और अभी देख रहे हो आप ना, आपको लग रहा होगा कि मैं आज सुबह सुबह फिर से जा रहा हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह नहीं है, आज धूप नहीं पड़ा इसके कारण आपको ऐसा लग रहा है. आज है मतलब अभी बज क्या क्या बोल रहा हूँ, अभी बज रहा है सुबह के 10:30 एंड मैं अभी जा रहा हूँ 10:30 बजे. शू नहीं पहना तो अभी पूरा 11 बज जाएंगे. चलो क्या कर सकते है ना, वही सीन लगा लिया है शू एंड चलो अभी चलते है. क्या करे जब किस्मत ही लौटा तो क्या करेगा अभी सिन्हा. वाह 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 वाह, चलो अभी चलते, क्या करो यार, फिर से अभी इतना दूर चल के जाना पड़ेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है. फाइनली काफी मेहनत के बाद फिर से पहुंच चुका हूँ जहाँ से गाड़ी मिलता है वहां पर. एंड रुको भाई, चलो एक ऑटो है, एक ऑटो रुक गया, ये देखो. चलो अभी चलते हैं, मैं पहुंच चुका हूँ अपने मार्केट पे एंड यहाँ से मुझे एक ऑटो पकड़ना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर से मुझे जाना पड़ेगा आसिमगंज एंड वहाँ से मैं बस पकड़ के जाऊँगा. सो यहाँ से चलो चलते हैं, एक ऑटो पकड़ते हैं उसके बाद चलते हैं. हाँ डायरेक्ट नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है. चुका हूँ आसिमगंज पे एंड सामने एक एसटीसी है, बाकी मुझे सीट नहीं मिलेगा वो तो पता है, बिकॉज वो काफी लेट हो गया एंड काफी देर से खड़ा है शायद से. अच्छी है किस्मत सीट मिल गया, बाकी बहुत सीट्स है. बाकी मैं इधर ही बैठ गया, लेकिन मैं इधर नहीं बैठूंगा, उधर बैठूंगा पीछे जाके, इधर सीट है इधर इधर इधर, किस्मत अच्छी है. सामने विंडो सीट नहीं था इसके कारण मैं पीछे आके बैठ गया, पीछे से विंडो सीट है ना तो यहाँ से हवा आएगी एंड गर्मी लगने लगी है, विंडो से हवा आएगी तो थोड़ा सा वो होगा ना अच्छा होगा, इसलिए विंडो सीट क्या. चलो सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर
फाइनली पहुंच चुका हूँ HKD पे। पहले जो ये सामान है ना पूरा ये रख के आता हूँ एंड उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम है और वीडियो भी बनाना है। सो पहले ये सब रख के आते हैं एंड उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों से। ओके सो अभी मैं निकल के आ चुका हूँ कपड़े चेंज करके एंड यहाँ पर देख सकते हो सामने है मेला। कल से स्टार्ट होगा, कल से यानी आज जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज से ही स्टार्ट होगा, 5 तारीख से होगा हैलाकांदी का रविंद्र मेला। सो लोगों को अंदर जाके दिखाता हूँ कि कितना कितना बना है एंड कैसा बना है वो सब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो चलो अभी चलते हैं। अभी तो गेट भी पूरा अच्छे से नहीं बना, गेट भी अभी बना रहे हैं। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और ये दिन में भी चलता है और रात में भी, तो यही है बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक गेट है और वो है बड़ा वाला गेट, ये है छोटा वाला और ये है वो है छोटा क्या बोल रहा हूँ वो है बड़ा वाला और ये है छोटा वाला और उधर भी एक गेट है। यहाँ पर देख सकते हो गेट के अंदर जाते ही कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा एंड चारों तरफ देखो दुकान ही दुकान, इधर सारे दुकानें, बहुत बड़ा होता है ये बराक वैली में सबसे बड़ा मेला जो बोलते हैं ना वो ये, एंड बराक वैली नहीं पूरा आसाम में शायद से ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखो स्टेज भी बन रहा है और इधर खाने का कल से स्टार्ट होगा, बट आई डोंट थिंक सो कल से स्टार्ट होगा क्योंकि अभी तक पूरा जो प्रॉपर मतलब प्रॉपर जो है नहीं बना इसके कारण से स्टार्ट होगा बोल रहे थे। 5 तारीख को पूरा नोटिस भी आ चुका है लेकिन देखते हैं कल से स्टार्ट होता है कि नहीं वही। और यहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर है मौत का कुआं और यहाँ पर है क्या पर देख सकते हो मौत का कुआं और कार्स भी आ चुका है और यह है जंपिंग जपांग किया और इधर भी देख सकते हो और यह है देख सकते हो यह है बड़ा चरखी और वो है छोटा चरखा, बड़ा चरखा छोटा चरखा वाओ। यहाँ पर देख सकते हो यह है ब्रेक डांस और यह है इसको बोलते हैं चांद, इसको घुमाते हैं मेन गेट एंड इसका जो बोला है नाम मेंशन नहीं किया बट इसको चांद बोलते हैं 6 राउंड्स। और वहाँ पर देख सकते हो छोटा चरखा और वहाँ पर है बड़ा चरखा, देख सकते हो अभी भी पूरा बना रहे हैं और उधर भी एक जो है स्टेज नाचने का या फिर वो नागिन जो फेक नागिन होते हैं एंड वो सब बना रहे हैं। यहाँ पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कल से मेला है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्या सीन है वो मुझे नहीं पता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इधर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो कल से स्टार्ट होगा, जस्ट स्टार्ट होगा कल से एंड कल से मतलब सब कुछ चालू नहीं होगा, जस्ट कल से उद्बोधन ही करेंगे वही सीन है एंड देख सकते हो इधर सब कुछ। बाकी चलो अभी चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये है तीसरा गेट हैलाकांदी का, जो ये रविंद्र मेला है ये चलता है दिन को भी और रात को भी चलता है, तो आप दिन में भी आ सकते हो और रात में भी आ सकते हो हैलाकांदी मेला देखने। तो ये अच्छा लगा सब देख सकते हैं दिन में भी, बिकॉज रात में सबको परमिशन नहीं मिलती ना, तो दिन में भी आ सकते हैं। वैसे अभी मैं आया हूँ विशाल पे, देख सकते हो अभी विशाल पे थोड़ा सा मुझे काम है इसके कारण कुछ खरीदना है और खरीद के सीधा मैं जाऊँगा घर पे। सो चलो अभी चलते हैं कुछ खरीदते हैं जाके, जो अपना सामान है वो खरीदते हैं, ले लिया है जो लेना था। सो अभी चलो चलते हैं डायरेक्ट घर पे, बाकी स्पीड ओवर दी पे एंड आई होप पसंद क्या करना बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साथ नहीं करा था कमेंट करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।